अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, फिर से हम ले आए हैं KFC, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे साथ हुआ था KFC के साथ, हमने बकेट नहीं खाया था ऐसा ना होता भाई, जो कि मेन इनका चिकन ही होता है, मतलब जो मेन चीज़ है, मेन चीज़। तो इसलिए आज दोबारा मेन्यू किया और काफ़ी सारा हमने ज़्यादा मेन्यू किया है आज, लेकिन आज भी फिर इनने एक थोड़ी सी गड़बड़ की है हमारे साथ। ये हमने पे उस पेप्सी का किया था जो मतलब उसमें आती है ना उसे भाई, इनके अपने KFC गिला 180 रुपये पे किया और इन्होंने 30-30 रुपये वाली बोतल उठा कर दे दी है। तो मतलब कहीं ना कहीं गलती लाजिम करनी है KFC वाले करनी। अब ब्रांड जो है कुछ कर भी नहीं सकते उसे भाई। तो लास्ट टाइम मैंने फूड पांडा को उसे भाई वो किया था, कंप्लेंट की थी, उनने क्या कहा है, मैकडोनल्ड की कंप्लेंट की थी, उनने यही कहा सर यू आर अवर लॉयल कस्टमर फलां ढींग, लास्ट में नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो। मैंने कहा मुझे रिफंड चाहिए, मेरा 1000 रुपया गया। नहीं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है ना हम आपकी खिदमत करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, पैसे आपके गए भाड़ में। तो चलिए आज KFC का दोबारा मेन्यू मंगवाया, तो ट्राई करते हैं। उसे भाई कैसे शुरू करें वकास भाई, आज कुछ बोलते नहीं है, बताएं तो सही क्या क्या है। हाँ ये तो बताना ही भूल गए। अच्छा जी, यहाँ रखा है राइस एंड स्पाइस। अच्छा जिसको प्राइस चाहिए, प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मुझे याद नहीं है सही तरह प्राइस क्या थे। ये अपना यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्रंच बर्गर रखा हुआ है और यहाँ अपना रखा हुआ है केंटकी बर्गर, और ये तो आपको पता है वैल्यू बकेट। अच्छा इसकी शेप में मत जाइएगा कि हम लेते हैं तो इतने ऊँचे क्यों नहीं होते, अंदर होते हैं, फिक्र मत करिए। जो इसकी पैकिंग हमारे पास थी ना, जो अखबार वगैरह थे, वो हमने नीचे डाल दिए और चिकन को ऊपर रख दिए ताकि कैमरे में अच्छा नजर आए। जुगाड़ है ये। और यहाँ देख लें अपना, ये है माइटी जिंगर है जो कि लास्ट टाइम भी खाया था हमने, और नगेट्स हैं, नगेट्स हमने नहीं खाए थे, बाकी ये फ्राइज हैं, बकेट में आते हैं, और इसके साथ एक सॉस भी आता है गार्लिक सॉस, वो यहाँ रखा हुआ है हमारे पास। अच्छा वहाँ सॉस के ऑप्शन नहीं थे फूड पांडा पर कि हम और ज़्यादा मंगवा सकें, नहीं थे, बस इसी के साथ ही एक सॉस आया है, बाकी बकेट खाने कैचअप वगैरह हमने निकाल लिए हैं, ये यहाँ रखा हुआ है कैचअप, तो ये यहाँ पर साइड में रख देते हैं। बाकी यहाँ पर अपना 180 रुपये की बोतल है दोनों को मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के। उसे पहले मैं राइस एंड स्पाइस पर जाऊंगा, इसको अच्छा? हटाऊंगा तो आगे जाऊंगा। अच्छा मैं फिर अपना, ये मेरे पास फ्राइज रखे हैं और नगेट्स, मैं काफी पहले नगेट्स पर आ जाता हूं। तो जी ये बड़ा सा ले लेते हैं बाइट, ये भी ये देखें ठहर अपना, ये मुझे लगता है हॉट शॉट होता है ये जो इसमें होता है, बाकी थोड़ा इसमें अपना जो मंचूरियन वाला वो है ना वो भी टेस्ट आता है इसमें, वो खाली अभी खा तो लें पहले बताना। ये भाई ये नगेट्स हल्का हल्का मीठा, कभी नगेट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बगैर सॉस के ट्राई करते हैं। राइस एंड स्पाइस मुझे अच्छा लगा, उन सभी काफ़ी नगेट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट बड़ा ही ज़्यादा मार रहा है काफ़ी इनका। खास कर इसके साथ अपना सॉस के साथ अच्छा जी, काफ़ी इनका सॉस बहुत ही थोड़ा सा है। हाँ सॉस मैंने एक दो डिप किया ख़त्म हो गया, आधा हो गया। तो इसमें जो हल्का हल्का जायका है ना वो मंचूरियन से थोड़ा मिलता जुलता है, तो वो कमाल कराता है। बाकी चावल खिले खिले हैं, मज़े ले रहे हैं। ये मुझे दे वकास भाई, आप आगे चलें। अच्छा जी हम आ जाते हैं क्रंच बर्गर पर, ये देखना ये छोटा सा बर्गर, ये भी 250-300 रुपये का है, इसमें सिर्फ आगे नज़र आ रहा है पीछे कुछ नहीं है ये मत समझना, ये देख लो। तो टेस्ट लेते हैं इसका, अभी ये बड़े अच्छे लग रहे हैं स्पाइस एंड राइस।
मंचूरियन का टेस्ट है अवकाबी, इसके अंदर जो सॉस डला हुआ था ना क्या, उसमें पूरा मीठा मीठा वैसे मंचूरियन का टेस्ट आ रहा है भाई। ठीक टेस्ट है, ख़ास नहीं कह सकते इसको। अमेजिंग मुकाबले स्पाइस एंड राइस मुझे अच्छे लग रहे हैं बहुत। इसमें भी लहची हो साहब, दुश्मन निकल आया भाई। ये देख दे अच्छा वकाल भी, इसको इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगा तो भाई ये तुम खत्म कर दे वकाल भाई, इसको एक साइड पर रख देते हैं जी। उस आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा? नहीं सही है उसे भाई, सही है सिर्फ, हाँ सिर्फ सही है भी। अच्छा जी पहले पहले अपना आ जाते हैं लेग पीस पर, जो कि सही है टेस्ट हुआ अभी इसका, वही सही है जो आप कह रहे हैं। और इसमें चिकन अब ख़त्म हो गई है, ऐसे खा रहा हूँ चीज़ की अपनी स्लाइस के साथ। क्या बता दें कैसे लगा आपको ये? सब अच्छा है, थोड़ी स्पाइसी होना चाहिए था, स्पाइसी नहीं है, यही मसला है, बहुत ही कम है स्पाइसी वो काफ़ी। अच्छा जी नगेट्स पर आ जाते हैं हम। सब नगेट्स अच्छे हैं, नगेट्स अच्छे हैं काफ़ी। ये मुझे उठा कर दें, ये ने दोनों उठा लें काफ़ी डबल। अच्छा वो काफ़ी ये केचप के साथ ट्राई करता है, कल भी इनको स्पाइसी बहुत ही होना चाहिए था, जो बहुत ही कम स्पाइसी है ये, बस खाली अंदर नहीं है ना स्पाइस उसे, बस ऊपर जो है ना जिल्द पर। कभी थोड़ा सा डिप कर लेते हैं, कुछ नहीं हो साहब इसमें। वही मैंने कहा बहुत ही थोड़ा सा होता, ख़त्म हो गया वो। अच्छा जी हम भी आ जाते हैं दोबारा से अपना। ये क्रिस्पी है ना, ये कमाल है सर। हाँ क्रिस्पी बहुत है काफ़ी, डिब्बा नीचे चला गया कभी। इनके पास ये ऑप्शन होता है कि हम स्पाइसी मंगवाए? पता नहीं उसे अभी था तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम स्पाइसी है, बहुत ही कम है, इन्होंने खुद ही कम डाला है ऐसे फील हो रहा है। डाला ही नहीं उसे अभी स्पाइस, बहुत ही कम है ये, सिर्फ ऊपर से जल्दी स्पाइस है और कुछ नहीं है उसमें। अंदर जो चिकन है ना काफी बहुत ही
बर्गर की तरफ चले, हम बिल्कुल खामोश हो गए हैं। व्यूवर बोर हो रहे होंगे। चले आ जाए कभी माइटी जिंगर के हो तो देखें आप। मैं तो यही ट्राई करने वाला हूँ। बड़ा है, आप ये ट्राई करें, मैं केंटकी बर्गर ट्राई करता हूँ। देखें तो सही भाई इसको, ये वाकई माइटी है। देखें इसकी प्राइस भी कोई 700 के करीब थी, 700-800। प्राइस भी बहुत है जैसे ये खुद है। तो ये पहले सबसे बड़ा ये अपने मुंह में आएगा, पहले तो ये बड़ा मसला है। अच्छा जी, ये बकेट फ्राइज का ये पूरा मुट्ठी में भर करना, इसको खाने का अपना मजा है। अभी टेस्ट तो इसका बहुत ही अच्छा आ रहा है। पिछली दफा हमने लिया था ये जला हुआ था ऐसे ना, काबे यही था ना, माइटी जिंगर ही था, लेकिन इस बार नहीं है, इस बार ठीक टेस्ट है वो काबे इसका। लोग बोल रहे थे कि ये टोस्ट किया हुआ है, भाई टोस्ट किया हुआ हल्का सा होता है, ज्यादा नहीं होता वो, बहुत ही था वो काबे, बहुत ही ज्यादा टेस्ट ही आ रहा था, खाने का दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने दिखाया भी था आप साहब। मजा आ रहा होगा, फिलिंग तो इसकी बहुत है, कमाल का टेस्ट आ रहा है। केंटकी बर्गर हम ट्राई कर लेते हैं। अभी टेस्ट अलग आ रहा है मेरे, इसका पिछली बार जो मजा नहीं उठा पाया ना वो इस बार उठा रहे हैं बिल्कुल। वगैरह भी हाथ भी मैसी हो रहा है, इतना इसके अंदर फीलिंग वगैरह है। सभी इसमें जो सॉस है ना वो अच्छा नहीं है, मुझे लग रहा टेस्ट अजीब कर रहा है वो, ऐसे केचप वाला ही सॉस है कोई। मुझे बारबेक्यू सॉस लग रहा है। अब ये ट्राई करें। अच्छा जी, माइटी सिंगर हमारे पास आ चुका है। आ गए हो काफी। अरे इसमें इसके सॉस में ना काफी थोड़ी खट्टी खट्टी वो है, खट्टी खट्टी ऐसे टेस्ट आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बारबेक्यू सॉस लग रहा है, और इन बर्गर्स में बारबेक्यू सॉस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता साहब। ये खट्टा खट्टा कर देगा काफी टेस्ट को पूरा। दोबारा चिकन की तरफ आ जाए, मैं अपना ये ले लूँ फ्राइज, उनको करते हैं डीप इसमें केचप में। फ्राइज KFC के मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, कॉफी KFC के फ्राइज बहुत ही अच्छे होते हैं, और मैकडोनल्ड भी हमें मिले नहीं थे। हाँ मिस हो गए थे वो काफ़ी, जो कि वर्ल्ड फेमस फ्राइज है, इसलिए तो नहीं मिले वो काफ़ी। अच्छा भाई, इनके विंग्स ट्राई नहीं किए अब, बच भी विंग्स गए हैं, और एक टुकड़ा पड़ा हुआ है पहले विंग्स। वही है काफी,
बाइट लो जो सही था वो कभी इंस्टेंट पता चलता है कि इसमें मिर्चे ना बहुत ही कम है। ये सब है उनके लिए जो बिल्कुल भी नहीं खाते स्पाइस। बाकी हमने हैंड एंड बांध का रोस्ट भी खाया हुआ है, हाँ। उसकी वजह से ये हमें कुछ अच्छा नहीं लगा है उसे भाई। उसका वकाली बहुत ही स्पाइसी था और कमाल का बना होता, अंदर तक स्पाइसी उसके। तो जी इंशाल्लाह आप लोगों को मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।